ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे श्री वीर वेंकट सत्यनारायण मंदिर के, जो अन्नावरम काकीनाडा जिले के अन्नावरम कस्बे में है। यह पंपा नदी के पास है। श्रद्धालु पंपा नदी को भी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप ही मानते हैं। मंदिर रत्नागिरी पहाड़ पर है। रत्नागिरी पहाड़ की पौराणिक कथा है कि मेरु, जो पर्वतों के देवता हैं, और मेनका ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने उन्हें दो पुत्र दिए, एक भद्र और दूसरे रत्नाकर। भद्र ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। वह पर्वत बने जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास भद्राचलम बना। रत्नाकर तपस्या करके पर्वत बने और वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी का स्थान बने। इस रत्नागिरी पहाड़ की ऐतिहासिक कथा भी है कि विजयनगर के कृष्णदेव राय ने कलिंग के शासकों से युद्ध करने के समय रत्नागिरी पहाड़ के नीचे भूमिगत रास्ता बनाया और दुश्मनों पर दो तरफा आक्रमण किया। आंध्र क्रांति के समय श्री अलूरी सीताराम राजू का मुख्य स्थान अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहाड़ के नीचे बना। मंदिर पहाड़ के ऊपर है और मंदिर की ऊंचाई 300 फीट है। मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। श्री वीर वेंकट सत्यनारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह मंदिर 1891 में बनना शुरू हुआ और जो आज मंदिर दिखता है वह 2011-12 में बना। मंदिर के विषय में कथा यह है कि भगवान ने एक जमींदार जिनका नाम राम नारायण था, उन्हें रत्नागिरी पहाड़ पर मंदिर बनाने का आदेश दिया और उस जमींदार ने पहाड़ पर भगवान की मूर्ति देखी। उनको मिल गई एक मूर्ति और फिर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। वीर वेंकट सत्यनारायण मंदिर शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। मंदिर रथ की तरह है जिसके चार पहिए चार कोनों में हैं। यंत्र के चारों कोनों में चार देवता हैं, गणपति देव, बाल सुंदरी, सत्यनारायण स्वामी और भगवान महेश्वर। मंदिर त्रिपद विभूति नारायण उपनिषद के अनुसार एक अद्भुत यंत्र पर बनाया गया है जो निचली मंजिल में है। गर्भगृह दो मंजिला है। मुख्य द्वार पर स्वर्ण पत्र चढ़े हैं। ऊपर की मंजिल में भगवान विष्णु का, भगवान सत्यनारायण का विग्रह है। गर्भगृह में मुख्य मंदिर में श्री वेंकट सत्यनारायण स्वामी बाईं ओर और साथ में श्री अनंत लक्ष्मी की मूर्ति दाईं ओर है। मूर्तियों पर स्वर्ण कवच चढ़ा है, इसलिए मूर्तियों का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। श्री वेंकट सत्यनारायण स्वामी की मूर्ति 13 फीट ऊंची है। इसका सबसे ऊपर का हिस्सा भगवान विष्णु का, मध्य का शिव का और सबसे नीचे का हिस्सा ब्रह्मा जी का प्रतीक है, अर्थात मूर्ति में त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर के उत्तर में एक सूर्य घड़ी है। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए एक वेद पाठशाला भी है। मंदिर में सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए मंडप बना है। यहाँ लोग विवाह के लिए भी आते हैं। यहाँ कहा जाता है कि ऋषि नारद ने
भगवान विष्णु के कहने पर सत्यनारायण व्रत किया। मंदिर में लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सत्यनारायण व्रत करते हैं। मंदिर में मुख्य त्यौहार हैं 5 दिन चलने वाला कल्याण उत्सव, इसमें भगवान श्री सत्यनारायण का लक्ष्मी जी से विवाह समारोह होता है। मंदिर में तेलुगु का नया साल मनाया जाता है। श्री सीताराम कल्याणम, श्री कृष्ण जयंती, भीष्म एकादशी, गणपति नवरात्र, कनक दुर्गा यात्रा, नवरात्रे, गिरि प्रदक्षिणा आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। और श्रावण शुक्ल के दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसी ही सुंदर धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पाते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप कुछ क्षण मंदिर से भजन की ध्वनि सुनिए।